अस्सलाम वालेकुम, वेलकम शनीला किचन में एक बार फिर से आप लोगों को सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन हांडी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डलेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। 1 किलो हमने चिकन लिए, ठीक है, हमने बोनलेस पीस नहीं लिए। अक्सर अमूमन लोग बोलते हैं हांडी बनाने तो बोनलेस चिकन चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं होता बोनलेस पीस। जितना हड्डी वाला गोश्त होता है चिकन का भी उतना अच्छा होता है और टेस्ट आता है, ठीक है। 1 चम्मच हम इसके अंदर पीसी हुई मिर्च डालेंगे, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, हांडी मसाला डालेंगे 4 चम्मच, 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर चिल्ली सॉस डालेंगे, 1 खाने के चम्मच हम इसमें सेका डालेंगे। प्याज हमने ली थी 2 अदद, इस तरीके से काट ली चकोर चकोर के। टमाटर हमने 2 अदद लिए थे बड़े लाल से, और उसको ब्लेंडर करके उसका पानी खुश कर लिया था, इस तरीके से हो जाएंगे वो पेस्ट में। 2 अदद हमने शिमला मिर्च ली थी, उसको इस तरीके से चकोर काट ली थी। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, गार्निशिंग के लिए हमने हरा धनिया लिया है, और 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च डालें। चलें अब इसके अंदर मैं सारे मसाले मिक्स करते हैं। 1 किलो हमने चिकन ली थी वो डाल रहे हैं। 1 कप हम इसके अंदर दही डालेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे, नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से, 1 चम्मच हम पीसी हुई मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हांडी मसाला जो हमने आपको बताया था वो ऐड करेंगे, सोया सॉस, चिल्ली सॉस और सेका जो हमने बताया था, 2 टेबल स्पून सोया सॉस और चिल्ली सॉस था, 1 टेबल स्पून सेका था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से कवर करके इसको आधा घंटा रखते हैं। आधा घंटा हो गया है हमारे मसाला लगे हुए हांडी मसाले को, आधा कप ऑयल डालेंगे, पाँच से 10 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये जो हमने आपको टमाटर बताए थे, 2 टमाटर बड़े साइज़ के जो ग्राइंडर कर लिए थे और उसका पानी खुश कर लिया था, ठीक है, ये ऐड करेंगे अब इसके अंदर। पाँच मिनट इसको पकाएंगे अब। Thank you.